ये पेशव काल का मंदिर है, पांच पांडवों ने बनाया, एक ही रात में बनाया, एक ही रात में पूरा बनाया पूरा। अमरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको आना होगा अंबरनाथ स्टेशन। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप दादर से या फिर कल्याण स्टेशन उतर के भी अमरनाथ स्टेशन तक आ सकते हो। तो मैं आया हूँ अमरनाथ ईस्ट में स्टेशन से। आप जैसे ही बाहर आओगे तो थोड़ा सा आगे चल के जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर शेयरिंग और प्राइवेट ऑटो दोनों में मिल जाएगी। तो मेरे राइट हैंड साइड पे था स्टेशन, तो स्टेशन से मैं जैसे ही बाहर आया थोड़ा सा यहाँ पे आगे चल के आया तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शिवाजी महाराज का जो है एक स्मारक देखने मिलेगा, और यहाँ इनके ठीक सामने जो यहाँ से आपको प्राइवेट ऑटो मिल जाएगी और वहाँ से शेयरिंग जाती है। तो हम लोग जाएंगे शेयरिंग में, तो यहाँ से शेयरिंग ऑटो जाती है, इधर से जाती है ना शेयरिंग ऑटो अमरनाथ महादेव मंदिर शिव मंदिर। कितना लेते हैं शेयरिंग का? 20 रुपया। तो मैं उतर गया यहाँ स्टॉप पे, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक बड़ा सा गेट देखने मिलेगा जिसपे लिखा है प्राचीन शिव मंदिर अमरनाथ। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदर चल के जाना है। तो मैं स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए हार्डली 5 मिनट लगा रिक्शा में, और मेरे सामने ही मंदिर दिख रहा है। तो वहाँ मेन गेट से मंदिर का डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ मेरे सामने था गेट, और यहाँ से हार्डली मैंने 1 मिनट या 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। अगर आप प्राइवेट ऑटो करके आते हो तो ऑटो आपको यहाँ तक छोड़ेगी, अगर आप शेयरिंग में आते हो तो शेयरिंग ऑटो जो है आपको मेन गेट पे छोड़ेगी। तो यहाँ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे शॉप भी देखने मिलेंगे जहाँ से आपको अगर चढ़ावे के लिए कुछ लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ मेरे सामने है मंदिर, और यहाँ से भी थोड़ा सा हमें चल के जाना है, प्रसाद लेना है तो यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो आप। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, इसको क्रॉस करके जाना है। बारिश का मौसम है तो देख रहे हो पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है, ज़्यादा बारिश आया तो ये ब्रिज पे भी आ जाएगा पानी। तो ब्रिज जैसे ही क्रॉस करोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे शॉप देखने मिलेंगे, और यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है मंदिर। तो मंदिर में जाने से पहले जो आपको अपने चप्पल जूते सारी चीज़ें निकालनी है, तो यहाँ पे एक स्टैंड बना हुआ है तो आप यहाँ पे चप्पल और जूते निकाल सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस प्रकार ये मंदिर दिखता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, और यहाँ के जो मंदिर के स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो देख के ही पता चलता है कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पे मुख्य 3 द्वार बने हुए हैं, एक एंट्री के लिए, बाकी 2 जो है एग्ज़िट के लिए, और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखाई देता है मंदिर। तो एक्चुअली जो मैं शूट कर रहा था मेरे कैमरा में, एक्शन कैमरा DJI का, तो वहाँ पे जो एक सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने बोला कि कैमरा में शूट मत करो, मोबाइल से शूट करो। ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता है। अमरेश्वर महादेव मंदिर, जिसे अमरनाथ शिव मंदिर भी कहा जाता है, और आज गुरु पूर्णिमा है तो मंदिर में थोड़ा सा ज़्यादा रश है, तो हम लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करके आते और फिर आपसे मिलते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण शिलाहार वंश के राजा मुंबा राजा ने 10वीं शताब्दी में किया था। एक और कथा के अनुसार यह मंदिर पांडवों द्वारा एक रात में बनाया गया था जब वे अपने वनवास के दौरान यहां आए थे। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहां भव्य मेला लगता है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। अमरेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला
भोईशाला शैली की है, जो दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर काले पत्थरों से बनाया गया है और इस पर जटिल नक्काशी और मूर्तिकला का अद्भुत नमूना देखने मिलता है। मंदिर के मुख्य मंडप पे भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है और इसकी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की और पौराणिक कथाओं की नक्काशी की गई है। तो मैं आ गया हूँ मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस बाहर। तो मंदिर में ज़्यादा टाइम नहीं लगा दर्शन करने के लिए, हमें 10 से 15 मिनट का वक्त लगा और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। लग रहा था कि ज़्यादा गर्दी है लेकिन इतना गर्दी नहीं था। तो अभी हम लोग जो है यहाँ आसपास का एरिया जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करते। बारिश फ़िलहाल मौसम हुआ है बारिश का, बट बारिश आ नहीं रहा है, हल्का फुल्का बारिश आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं आसपास में और कोई मंदिर है क्या दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल जो है मैं मंदिर के बाहर ही खड़ा हूँ, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करते और फिर जो है यहाँ से निकलते हैं। तो ये वाला जो द्वार देख रहे हो, तो वहाँ से हम लोग जो है दर्शन के लिए गए थे और वहाँ लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग बाहर निकले और प्रदक्षिणा करके हम लोग यहाँ से घूम के आए यहाँ पर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे पीछे गणपति बप्पा का मंदिर है और आसपास में आपको बहुत सारी जगह मिल जाती है। अभी बारिश का मौसम है इसके लिए गीला हुआ है यहाँ पर, अगर बारिश नहीं होता तो आप यहाँ पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। लोग जो है खड़े दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे और यहाँ इस पॉन्ड में जो है बहुत सारे टॉर्टॉइज है। तो यहाँ इस मंदिर के पीछे साइड में यहाँ पे एक गेट बना हुआ है जहाँ से अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरे दुर्गा माता का मंदिर है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो तो यहाँ पे वालगुनी नदी है और फोर्स देख रहे हो। तो यहाँ पे भी माताजी के चढ़ावे के लिए आप कुछ लेना है तो यहाँ से ले सकते हो और यहाँ से होते हो आपको मंदिर में जाना है। और यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे गर्म कुंड था जो फिलहाल बंद है और बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है और कोई भी जाता नहीं फिलहाल और बारिश का मौसम है इसके लिए नदी जो है भरा हुआ है पूरा ये। तो अब चलते और यहाँ पे इस मंदिर में भी दुर्गा माता के दर्शन करते हैं। दुर्गा माता मंदिर के राइट हैंड साइड पे बाहर की साइड में भी जो है कुछ प्राचीन मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर छोटा सा। ये पेशव काल का मंदिर है, पांच पांडव ने बनाया, एक ही रात में बनाया, एक ही रात में पूरा बनाया पूरा बना। और आसमान को लगने को आ गया एक बिल्ले, जब ही मुर्गे ने बांग दे दिया पांच पांडव यहाँ से ही चले गए। ओके, यहाँ से निकल गए, सीधा निकल गए, समझा। और दूसरी बात, यहाँ एक गुफा बना हुआ है, अंदर दरवाजा है, वो दरवाजा बंद है। शिवाजी महाराज रायगढ़ किले से और कल्याण दुर्गढ़ी किला वहाँ से आए, चुपके आए, पीपल का झाड़ वो बच गया, वो झाड़ में छुप गए। तो वो लोगों ने क्या सोचा कि ये मंदिर में छुपा है, शिवाजी महाराज मंदिर में छुपा है। हाँ, तो उसने वहाँ से तोप लगाया, ये मंदिर को आधा बना दिया। अच्छा, तो
वैसे यहाँ पे कोई पार्किंग का स्पेस दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। यहाँ पे पार्किंग कहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे लोग पार्क करके जा चले जाते हैं? ओके, वो इमली का झाड़ है ना। ओके ओके, वो बाजू में पार्किंग है, यहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो पार्किंग का यहाँ पे ही जगह है, तो आप अगर टू व्हीलर फोर व्हीलर लेके आए तो आपको यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा, और कोई स्पेस नहीं यहाँ पे पार्किंग के लिए। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गया वापस बाहर, और मैं यहाँ पे आया था कुछ सुबह 9 बजे, और अभी बज रहे 9:45, यानी कि मुझे 1.5 घंटा लग गया यहाँ पे दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया। तो अगर आप भी आना चाहते हो इस मंदिर में, दर्शन करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है और यहाँ की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप आ सकते हो यहाँ पर और दर्शन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आओ जो